धन्यवाद। मैं अपने प्रेस के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कम समय में वो हमारा ये इस प्लेटफॉर्म से हमारी कुंची बिरादरी का जो हमारा एक कॉमन एजेंडा है, क्योंकि हमें जो हमारी जम्मू सोध कॉन्स्टिट्यूंसी है विशेष रूप से इसमें पिछले 28 साल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व रही है, और अभी जो है डिलिमिटेशन 2020 में ये ओपन सीट हुई है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो है नुमाइंदे को जो पीओजे के ऊंची बिरादरी से इसमें हमें मैंडेट मिले और हमारी जो है असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस संदर्भ में हमारी बिरादरी ने ये डिसाइड किया है और हमारी बीजेपी आला कमान से ये निवेदन है कि वो हमारी इस निवेदन को स्वीकार करें, ये हमारी उनसे अपील है। और हमारी ये बिरादरी जो है ऊंची बिरादरी 28 साल ये जो सीट रिजर्व रहने के कारण एक हमारी 28 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, तो एक हमारी पीढ़ी का भविष्य जो है एक किस्म का अंधकार में चला गया। और अगर हम थोड़ा पीछे देखेंगे अखनूर तहसील से लेके कीड़ियाँ कठुआ तक जो है लगभग यहाँ पे 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इसमें हमारे 3-4 दशक से पिछले 30-40 साल से हमारी पुंछी बिरादरी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है और ना ही हमें पीओजे के पुंछी बिरादरी से किसी को मैंडेट मिला है। तो हमारी पुंछी बिरादरी के सर्वसम्मति से ये हमारी जो है आज की मीटिंग का यही एजेंडा है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी आला कमान स्टेट का शेष नेतृत्व जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और खासकर बीजेपी आला कमान से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे कैंडिडेट को वो मैंडेट दें हमें, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से जो है बीजेपी के साथ हमारी पुंछी बिरादरी जो है जुड़ी हुई है और जम्मू प्रोविंस में 70-80% लोग हमारे पुंछी बिरादरी के बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी के वोटर हैं। तो हमारा हक बनता है पहले बीजेपी के साथ हमारा जो है हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करें। और यदि हमको अगर ये मैंडेट नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें एक जो है इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे पुंछी बिरादरी के कार्यकर्ता हैं सरकार के कार्यकर्ता हैं, तो हम जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करके और समाज और देश की सेवा में कार्यरत रहेंगे। इसके लिए हमारे जो अगर इस बिरादरी की वोट बैंक देखा जाएगा तो इट इज़ अराउंड 40% हमारी पुंछी बिरादरी की वोट बैंक है। और ये जो वोट बैंक है और हमारी ये बड़ी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, चुनाव मुक्ति मोहन सही भी यहाँ से गए थे और 28 साल से ये रिजर्व होने के कारण उन्होंने हर एक बिरादरी को जो है जो भी कैंडिडेट था हमने उनको सपोर्ट करके असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजा है। और हमारा जो यहाँ से जहाँ तक हमारा तल्लक है हमारे चांसेस की बात है, हमारे कार्यकर्ता डिफरेंट जो है एक कार्यकर्ता नहीं कई कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी का हर एक पार्टी का अपना सिस्टम होता है, उस सिस्टम के मुताबिक उनके पास सारी वोट पहुंचती हैं और वो कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब कार्यकर्ता जो है कई कार्यकर्ता मैदान में होते हैं, लेकिन हमारी विशेष तौर पर डिमांड ये है कि हमारे कार्यकर्ता को वो मैंडेट दें, हमें टिकट दें और हमें बीजेपी की ओर हमारा पूरा विश्वास है।